जुई रुख करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे मामला विश्वविद्यालय परिसर में एक छात्र की संदिग्ध मौत से जुड़ा है, जिसे लेकर गुस्साए छात्रों ने देर रात कुलपति आवास का भी घेराव किया। विद्यार्थियों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी परिसर में स्विमिंग पूल में ट्रेनिंग के दौरान छात्र विकास यादव के डूबने से संदिग्ध मौत के बाद छात्रों में गुस्सा है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने से पहले राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। शुक्रवार को छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 9% बढ़ा दी गई। इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, जिसमें महंगाई भत्ता 230% से बढ़ाकर 239% करने का ऐलान किया गया। नीट परीक्षा पेपर लीक के तार अब झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से भी जुड़ गए। सीबीआई की टीम ने इस कॉलेज के 10 छात्रों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 8 को जमानत मिल चुकी है, जबकि 2 छात्र अभी भी पुलिस की कस्टडी में हैं। इन छात्रों पर 15-15 लाख रुपए लेकर डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने का आरोप है। इसमें छात्रों के साथ कुछ छात्राएं भी शामिल हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज हनुमानगढ़ जिले के नौर में गौरीशंकर बिहानी राजकीय कन्या महाविद्यालय के भवन का लोकार्पण किया। राज्यपाल के नौर पहुंचने पर जिला कलेक्टर कानाराम, पुलिस अधीक्षक विकास सागवान, पूर्व मंत्री बी डी कल्ला और नौर विधायक अमित ने राज्यपाल का स्वागत किया। इसके बाद राज्यपाल ने प्रवासी बिहानी परिवार के आर्थिक सहयोग से निर्मित गौरी शंकर बिहानी राजकीय कन्या महाविद्यालय के भवन का लोकार्पण किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई सांसदों ने राज्यसभा में नियम 267 के अंतर्गत नीट परीक्षा पर चर्चा की मांग की। हालांकि सभापति द्वारा ये मांग स्वीकार नहीं की गई। इस पर विपक्षी सांसदों ने सदन में जमकर नारेबाजी की। विपक्षी सांसद अपने स्थान पर खड़े हो गए और चर्चा की मांग करने लगे। हंगामे के बीच भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा। वहीं हंगामा बढ़ने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। नीट मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार नीट पर जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि नीट पर विपक्ष भ्रमित ना करे, हम चर्चा से भाग नहीं रहे। छात्रों को और अभिभावकों से सुझाव मांगे गए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार प्रतिबद्धता से मामले की जांच करवा रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली NCR में मानसून की पहली बारिश लोगों के लिए राहत के साथ आफत लेकर आई है। भारी बारिश के बाद सड़क लबालब पानी से भरी हुई है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान मोड़ी मंडी के नवी बस्ती निवासी करणदीप सिंह उर्फ कन्नू, बटिंडा के कोट शमीर गांव निवासी रघुवीर सिंह और कुलविंदर सिंह उर्फ बिट्टू के रूप में हुई है। झारखंड हाईकोर्ट ने भूमि घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। उन्हें इसी साल जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्होंने जेल जाने से पहले अपना CM पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह चंपई सोरेन को अगला CM चुना गया। लखनऊ में फर्जी CBI अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शख्स डिजिटल अरेस्ट कर डरा धमका कर ठगी करता था। शख्स को UP पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने गिरफ्तार किया है। शख्स पर 2 करोड़ से अधिक रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। आज खबर दिन भर में इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।